अस्सलामु अलैकुम। आज थर्सडे है और बल्कि वेडनेसडे है, सॉरी भूल गया। अभी कल मैंने इस गाड़ी में बैटरीज लॉक की हैं, आज हम इसकी एवरेज जो है वो एको मोड के ऊपर चेक करेंगे कि इस गाड़ी में टोयोटा प्रियस 2012 मॉडल 2015 इंपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन है, तो इसके अंदर इसकी कितनी फ्यूल एवरेज या कंजम्पशन आती है। सबसे पहले तो मैं अपने जो मीटर्स हैं तमाम दोस्तों के साथ वो डिस्कस कर लूँ। ये मेरा फ्यूल टैंक है, इस वक्त इसकी जो रैंक है वो है जी 39 किलोमीटर एवरेज, और कंजम्पशन जो फ्यूल है 21.4 है, जो बहुत अच्छी है। और अब तक का जो सफ़र मैंने तय किया है ये 33.6 किलोमीटर, यानी कि 33 किलोमीटर या 37 किलोमीटर में सफ़र तय किया है, ये उसकी कंजम्पशन शो कर रहा है। इसके अलावा इसको आज अब हम अभी करेंगे ज़ीरो, ये हमारी अब कंजम्पशन और बाकी चीज़ें सेट हो गई, ठीक है जी। और ये हम इसकी बी देखते हैं, वही आ रहा है इसका कंजम्पशन और बाकी चीज़ें तकरीबन ठीक ही है, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे। आज टेम्परेचर इसका मैंने किया हुआ है जी 25, जो ऑटो के ऊपर है। इसको अब हम बढ़ाते हैं जी 26, और उसके साथ आज का जो आउटसाइड टेम्परेचर है वो है 31। फैन जो है वो मीडियम पे है, फुल नहीं है, और बाकी चीज़ें अब आपके साथ स्लोली स्लोली डिस्कस होती रहेंगी। गाड़ी जो है उसकी टायर कंजम्पशन सब चीज़ों के ऊपर फ्यूल एवरेज बेस करती है, और साथ में आप उसका कितना यूज़ करते हो, रफ़ करते हो या बहुत हार्ड कर लेते हो, ये उसके ऊपर बेस है। अपना सफ़र शुरू करते हैं जी आज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद टैक्सेशन ऑफिसर, उसके बाद अपनी शॉप के ऊपर मैं आऊँगा शाम में, जहाँ पे मैं कपड़े का कारोबार ऑनलाइन और बाकी चीज़ों को देखते हैं, और साथ साथ इन हाउस हम लोग एट स्पॉट भी क्लोथिंग जो होती है अपनी वो हम उसको सेल करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स बढ़ती जा रही हैं, एक फैक्ट्री के बाद दूसरी फैक्ट्री, दूसरी के बाद तीसरी फैक्ट्री से सामान आ रहा है, और लोगों का, कस्टमर्स का बहुत बहुत शुक्र है कि उनके मेयार के मुताबिक जा रहा है। प्राइसेस हमारी बहुत मुनासिब और बहुत अच्छी होती हैं। बहरहाल खैर, ये मैं अपनी पब्लिसिटी पे शुरू हो गया। बहरहाल फ़िलहाल हमारा फोकस जो है वो गाड़ी और इसकी फ्यूल एवरेज और बाकी चीज़ें हैं। सरे दस्त इसने कितना दिखाया है, इसको देखें जी, फोकस 37, 21.23, और ये इसकी थी ट्रिप बी के ऊपर। अब एक फ्यूल टैंक में ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो चल सकती है इतने फ्यूल में या अगले पेट्रोल पंप पहुंचने तक 798 किलोमीटर्स, और बहुत अच्छी है, यानी कि आप 800 किलोमीटर जितना फ्यूल इसके ऊपर मौजूद है, ये इतने फ्यूल में 800 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हैं। इसके लिए मैं शाम में कोशिश करूँगा कि करूँ इसकी डिटेल दूँ आपको। मैं अभी गाड़ी का टाइम जो है सुबह के टाइम के मुताबिक इस वक्त कितना है, 7:47 वो इसका सेट कर लेते हैं जी। ये 7 आ गए, यहाँ से इसके मिनट्स को मैं फोकस कर रहा हूँ जी, ज़रा स्पीड के साथ कर रहे हैं जी। अब नहीं जी, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया काफ़ी देर से, ये हम लोग जितनी देर में व्लॉग बन रहा था 5 मिनट्स होने को आए हैं, मैं 1 मिनट ऊपर करते 48 हो गया जी, और ये सेट हो गया। इधर वाली का भी इतना ही आ गया है, और बाकी डे एंड टाइम जो है गाड़ी का
वो अब हम इसको मैं शाम में सेट करूँगा, ठीक है जी। बाकी अब अल्लाह हाफिज़, दिन में दुआ फरमाएं, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे और मेरे लिए भी अल्लाह खैर बरकत वाले मामला अदा फरमाएं जी। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। दोबारा फिर से हम एक दफ़ा फिर मिलते हैं जी सेकंड व्लॉग के पार्ट टू में जी, आज के दिन के लिए। सुबह मैं घर से जब चला था तो मैंने आपको ये बतला दिया था कितना फ्यूल टैंक है, और मैंने उस वक्त एकोमोड नहीं किया जब गाड़ी सफ़र शुरू हुआ, तो मैंने एकोमोड ऑन किया है। इस वक्त इसकी जो फ्यूल एवरेज आई है वो है 53 किलोमीटर्स, और कंजम्पशन जो है वो फ्यूल की वो 20.8 है, और जो फासला मैंने यहाँ तक का तय किया है वो 39.2 किलोमीटर मैंने फासला तय किया है। अब मैं इसको पावर ऑफ करूँगा, जिसके बाद इसके जो इस बात की तस्दीक जो है वहाँ पे होगी कि इसकी एवरेज और कंजम्पशन क्या रही है, और साथ में वो पैसे बताएगा 320 रुपए के हिसाब से। ये जी मैं इसे पावर ऑफ कर रहा हूँ और इसके साथ इसका पता चलेगा जी। 39.2 किलोमीटर जैसे पैदे है, 46 मिनट की ड्राइव है, कंजप्शन जो है वो 20.5 ही आई है, बिल्कुल ठीक है, और 631 रुपीज़ इसने मेरे पैसे बनाए हैं। बाकी अब कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, अगर किसी में कोई गलती है या किसी भाई को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो अपने कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिए, और स्पेशली जो इसके प्रियस यूज़ करते हैं, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि वो इसके ऊपर अपनी राय लाजमी तौर पर दें। शुक्रिया आज के लिए, इंशाल्लाह ताला 2 बजे के बाद फिर आप लोगों से मेरा क्लास के बाद होगा जो मैं पढ़ने के लिए आता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। इसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे कि प्रियस की और अपनी रूटीन की लाइफ क्या है। शुक्रिया, बी पाकिस्तानी, अपना ख्याल रखिएगा।